नामी कंपनी अमेजोन के नाम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का मामला नागपुर में सामने आया है, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता के जागरूक रहने से वे इस धोखाधड़ी से बच गए। लेकिन उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि यदि कोई भी इस तरह का लेटर या मैसेज आए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दें। नागपुर के कामगार नगर निवासी शकील अहमद ने बताया कि उन्हें 8 जनवरी को कुरियर के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा एक लेटर प्राप्त हुआ। इस लेटर को उन्होंने खुद रिसीव किया। लेटर ओपन करने पर उसके अंदर से एक पत्र और एक कूपन निकला। कूपन पर विनर लिखा था, पत्र पर उनका नाम और पता लिखा था। पत्र अमेजोन कंपनी के नाम से प्रिंटेड था। पत्र में लिखा था, amazon.com कंपनी द्वारा 8वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर कई इलेक्ट्रॉनिक महंगे सामान तथा नगद राशि इनाम के रूप में आपको मिली है। जो कूपन दी गई है उसको स्क्रैच करें और कूपन में दर्शाई गई राशि और कोड को हमारे दिए गए हेल्प नंबर पर संपर्क करके बताएं। उन्होंने पत्र को पढ़ने के बाद कूपन को स्क्रैच किया तो उसमें 7,50,000 रुपये इनाम के तौर पर लिखे हुए थे और एक कोड दिया गया था। पत्र पर दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबर 9391289/6900815744 पर संपर्क किया तो उन्हें कोड नंबर पूछा गया। उन्होंने कोड बताया तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, आपने 7,50,000 रुपए का इनाम अमेजोन कंपनी द्वारा जीता है। तब मैंने कहा कि अब मुझे क्या करना है। उन्हें बोला गया कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजो, आपके अकाउंट में डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की जाएंगी। उन्हें उन लोगों पर शक हुआ परंतु बैंक डिटेल्स भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने तत्काल अपनी बैंक डिटेल्स व्हाट्सएप द्वारा भेज दी। कुछ ही समय बाद मुझे एक नॉर्मल मैसेज आया जो ADBT बैंक के नाम से था। मैसेज में लिखा था, आपके अकाउंट में 7,50,000 रुपए भेज दिए गए हैं, लेकिन किसी कारण ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपको 1% मतलब 7,500 रुपए सर्विस टैक्स पहले अदा करना होगा। इस पर उन्होंने कहा, 7,500 रुपए कैसे अदा करना है। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि गूगल पे या फोन पे पे राशि भेज दें। मैंने कहा, मैं गूगल नहीं चलाता हूँ। इसने मुझे खुद का SBI बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दी और कहा कि इस अकाउंट पे पैसे भेज दो। भेजा गया नॉर्मल मैसेज तो फेक था ही, लेकिन इस व्यक्ति ने एक और बड़ी गलती कर दी। गलती ये थी कि मैंने इनसे जिस नंबर से बात कर रहा था उसी नंबर पर इसने नॉर्मल फर्जी मैसेज भेज दिया। ऐसे में यह ऑनलाइन फ्रॉड उजागर हुआ। फ्रॉड कर रहे हैं अमेजोन के नाम से कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि 2 दिन पहले 8 तारीख के दिन मुझे एक पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा एक पत्र मिला। उस पत्र को मैंने जब खोला तो उसमें अमेजोन का एक प्रिंटेड एक लेटर निकला और एक कूपन निकली। उस लेटर पे लिखा हुआ था कि आपको जो कूपन है उसको स्क्रैच करें। मैंने उस कूपन को स्क्रैच किया तो उसमें 7,50,000 रुपये का इनाम मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने 8वीं सालगिरह मनाई है अमेजोन के द्वारा, उसमें आपको ये प्राइज मिला हुआ है। और उस पत्र के अंदर 2 हेल्प नंबर दिया था, मोबाइल नंबर थे। तो जैसे मैंने ये खोला तो मुझे पुलिस की कुछ बातें याद आ गई। पिछले दिनों में पुलिस ने, नागपुर पुलिस ने इसके ऊपर में जन जागरूकता अभियान चलाया था और उसमें लोगों को समझाया था कि आपको कोई मोबाइल पे मैसेज आता है और बोला जाता है कि आपको लॉटरी लग गई है, कुछ पैसे भरना है GST के नाम पर। तो उनकी सारी बातें याद आने से मैं समझ गया कि ये फेक है। तो सबसे पहले तो मैं इस नागपुर पुलिस को धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस जालसाजी से मुझे होशियार किया था। नंबर 2, जब मैंने इस पत्र को खोला, जब इसके दिए हुए नंबर पे संपर्क किया और उनको बताया कि साहब आपके तरफ से एक लेटर मिला है, तो उन्होंने मेरा कोड पूछा, कोड नंबर दिया हुआ था और बोला कि साहब आपको एक मैसेज आएगा, ये 7,50,000 रुपये की राशि जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो आप बैंक अकाउंट हमको भेजो। मैंने इंक्वायरी के उद्देश्य से बैंक अकाउंट नंबर उनको व्हाट्सएप द्वारा भेजा, तो उसी 10 मिनट के बाद में मुझे एक बैंक से एक मैसेज आया, जो वो मैसेज भी उनका फर्जी था कि 7,50,000 रुपया क्रेडिट हो गया है, लेकिन किसी कारणवश एक पर्सन आपने उसका सर्विस टैक्स भरना है 7,500 रुपये, वो आपने भरा नहीं, तो आप ये भर दो, उसके बाद में ये राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो बहरहाल इंक्वायरी के उद्देश्य से जब मैंने उन पर संपर्क किया कि इस तरीके का मैसेज आया, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अकाउंट नंबर दे रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि 7,500 रुपये आप गूगल से पे करो। मैंने बोला मैं गूगल नहीं चलाता हूँ,
आप अकाउंट नंबर भेजो, उस अकाउंट में डालेंगे। उन्होंने मुझे एक अकाउंट नंबर दिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है, उसमें डालने के लिए बोला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा फर्जी वाला है, मैंने तो उनके अकाउंट में कोई पैसा डाला नहीं है, ये पूरा फर्जी वाला है। और लोगों से मेरी अपील है कि ये इस तरीके के पत्र मैं अकेले को नहीं आए होंगे, काफ़ी लोगों को दिया होगा। अगर ऐसे पत्र आपको आते हैं तो आप बिल्कुल सावधानी बरते और सतर्क रहे, इनके अकाउंट में कोई पैसा ना डाले, क्योंकि सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, हमारी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें और जागरूक रहें। इस प्रकार के मामलों में ऐसे लोगों को बैंक अकाउंट से रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर ना दे। यदि जिस नंबर से आप इनसे बात कर रहे हो वही नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना बैंक अकाउंट नंबर इनको ना भेजे, कोई दूसरा बैंक अकाउंट नंबर भेजे, केवल जांच पड़ताल के उद्देश्य से, वरना नजरअंदाज करें और पुलिस को इस संबंध में जानकारी दे। ऐसी जानकारी साइबर क्राइम के सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाग ने दी। नमस्कार, मैं सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाग, साइबर पुलिस स्टेशन नागपुर येथे कार्यरत आहे। आम्ही दरवेळी लोकांमध्ये जाऊन जनजागृतीचे कार्यक्रम करतो आणि याचाच एक फायदा आम्हाला आज ऐकायला मिळालेला आहे। एक कामगार नगर येथे राहणारे इसम आहेत, त्यांनी आम्हाला फोन केलेला होता की आम्हाला एक पत्र आलेलं आहे घरी आणि मोठ्या कंपनीच्या नावाने आलेलं आहे आणि तुम्हाला 7,500,000 रुपये बक्षीस लागलेलं आहे असं त्यावरती लिहिलेलं आहे। ह्या प्रकारचा मॅटर होता आणि त्यांनी सांगितलं की हा एक फ्रॉड आहे, हे मी समजलं आपल्या भाषण ऐकल्यामुळे वगैरे, आणि त्यांनी ती गोष्ट आम्हाला सांगितली। तर आम्हाला हे सांगायचं आहे की अशा प्रकारचे फ्रॉड होऊ शकतात आणि होत आहेत, की एखाद्या घरी एखादं पत्र येतं आणि त्या पत्रावर एखाद्या मोठ्या कंपनीचं नाव असतं, ती कंपनी आपल्याला कदाचित म्हणू शकते की आपण एखादी गाडी जिंकलेली आहे, किंवा 1 किलो सोन्याची बार जिंकलेली आहे, किंवा कोणती एखादी महागडी वस्तू जसं की लॅपटॉप आहे किंवा एखादा महागडा फोन आहे, असा तुम्हाला जिंकलेला मॅसेज येऊ शकतो। हा मॅसेज ऑनलाईन येऊ शकतो किंवा ऑफलाईन आपल्याकडे एखादं पत्र येऊ शकतं, आणि या पत्रामध्ये एक मोबाईल नंबर दिलेला असतो आणि तो मोबाईल नंबर जो आहे तो मोबाईल नंबर हा ज्यावेळी आपण डायल कराल त्यावेळी तिकडून मधुर सुरुवात होईल आणि सांगण्यात येईल की लवकरात लवकर तुम्हाला एक अमुक टॅक्स भरायचा आहे, कोणत्या तरी एका टॅक्सचं नाव सांगतील आणि तो किरकोळ असा वाटेल, 10 लाखाची बक्षीस आहे तर 10,000 रुपये टॅक्स भरायला सांगतील, 7 लाखाचे ते 7,000 भरायला सांगतील, आणि परत हा भरल्याच्या नंतरसुद्धा आणि पुढच्या वेळेला परत टॅक्स भरायला सांगतील, अशा प्रकारचा हा खेळ होतो। आणि अनेकदा टॅक्स भरून 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 जोपर्यंत याचे पैसे संपत नाही समोरच्याचे तोपर्यंत वेगळे वेगळे गोष्टी सांगून ते बक्षीस आता तुमच्या साठी निघालेलं आहे, ते तुमच्या बॉर्डरपर्यंत पोहोचलेलं आहे, बॉर्डरच्या पुढे येण्यासाठी आणखी टॅक्स द्यावा लागेल, हां तो तुमच्या अगदी शहरामध्ये पोहोचलेला आहे, मग तिथून सोडवण्यासाठी तुम्हाला एवढे एवढे पैसे द्यावे लागतील, अशा प्रकारच्या त्या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टीमध्ये ते अडकवतात आणि पैशाची लूट करतात। तर एक वेळा जर आपल्याला एखादा टॅक्स सांगितला जातो त्याच्यानंतर परत एखादा टॅक्स सांगायला जातो, त्याचवेळी माणसांनी खरं तर सजग व्हायला पाहिजे, परंतु एखादी मोठी गोष्ट नजरेच्या समोर दिसली तर थोडं माणसाला भूल पडल्यासारखं होतं आणि त्यामध्ये ते अडकत जातात।